अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी, एट प्रेजेंट मैं पिंपार सिटी के जालूपुरा गांव में हूं मेरा भाई, और मैं यहां पर वीडियो शूट करने आया हूं। अनस साहब न्यू दिल्ली निजामुद्दीन के रहने वाले हैं, उनके बकरों का, वो तो इधर है नहीं, उनके बिहाफ पे मैं माथुर साहब जो उनके बकरों की केयर टेकिंग कर रहे हैं उनसे मैं बातें करूंगा और बकरों की डिटेल लूंगा। तो अब ज्यादा हम देर ना करते हुए चलो बकरों का वीडियो शूट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और मैं ज्यादातर आज का जो हमारा है ना चैप्टर, पल्टी वाले बकरे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर जो भाई को इंटरेस्ट है उसके लिए पिंपार सिटी में, ठीक है। तो सबसे पहला बकरा मैं आपको, ये पहला बकरा और ये दूसरा बकरा, अब आ जाओ हम बातें करते हैं। साहब गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर आपका नाम क्या है? मेरा लकेश माथुर। लोकेश माथुर साहब जी। अच्छा माथुर साहब, पहले तो ये कहाँ पर है, इसकी कौन सा एरिया है, इसके बारे में बताएं। ये अपने पिपाड़ के अंदर जालूपुरा गांव है, वहाँ पे फतानों की ढाणी है, वहाँ अपना फार्म लोकेटेड है। ये आपका फार्म यहाँ पर है जी? ठीक है जी। भाई आपका नाम? बरकत अली। बरकत अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बरकत अली साहब, आप यहाँ पर ये केयर टेकिंग का काम? जी, हमारा पूरा जो फार्म का केयर टेकिंग का काम है वो बरकत भाई संभालते हैं। जी जी जी। और ओके, मैनेजमेंट से संबंधित पूरा काम जो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप बकरे दिखाने की बारी फ्रेंड्स। तो पहला बकरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख ले, ठीक है। मैं चेहरे से, सीना वगैरह, पैर, ये जो बकरे हैं ये अनस भाई दिल्ली के निजामुद्दीन में रहते हैं, ये उनके बकरे हैं, वो नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे माथुर साहब जो है आज वो इन बकरों की डिटेल दे रहे हैं हमें, ठीक है। स्क्रीन पे जो नंबर है वो अनस साहब के है, आप कॉल कर ले जो भी बकरा पसंद हो। चलो मैंने आपको ये पहला फ्रेंड्स बकरा दिखा दिया, अब मैं डिटेल लेने की बारी करता हूँ। सर ये जो है बकरा, पहले तो नस्ल में कौन सा लोगों को बताएं? ये अजमेर और मेवाती क्रॉस के अंदर है बच्चा। अच्छा जी। और 40 से 41 के बीच में इस बच्चे की हाइट है। और दांतों में? ये जस्ट फ्रेश चार दांत किया है। फ्रेश चार दांत, तो इसका वेट करा दोगे? वेट बिल्कुल कराएंगे। तो फ्रेंड्स मैं कांटा भी रखा हूँ, आप देख ले, एक मिनट जाए, माइनस ये जीरो माइनस 60 ग्राम दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये बकरा मैं चढ़ा दी आराम से। कांटा आपका बड़ा छोटा है, सबसे बड़ी बात। वेट देख ले फ्रेंड्स, स्टेबल होने में टाइम लगेगा। आप 84 केजी इसको मानकर चलिएगा, 85 केजी आ गया है, 85 केजी के करीब इसको मान के चलिएगा। मैं आपको एक बार दूर से ये बकरा, ठीक है, हाथ हटाइए ना भाई, हाथ हटाइए, ठीक है। एक बार फिर से मैं वापस से आपको कांटा दिखा देता हूँ। 84 है सर, 84 मान के चलिए, ठीक है। मैं दूर से आपको काटा और ये सारी चीज दिखा देता हूँ। तो ये पहला बकरा हो गया, दूसरे बकरे की आप डिटेल दीजिए। ये बकरा मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये बकरा देख ले कौन सी नस्ल में है। ये एक मैं खाली एक बार पहले दिखा दूं दोस्तों, आप देख लो ये बकरा, माथुर साहब ये बकरे के बारे में बताएं कौन सी नस्ल में। ये अजमेरा ब्रीड में है। ठीक है भाई जी। इस बच्चे ने फ्रेश दो दांत किए हैं। फ्रेश दो दांत, बिल्कुल फ्रेश दो दांत है जी। और 38 इसकी हाइट है। ठीक है, वेट तो हम इनका करा देंगे, ठीक है बिल्कुल। तो अगर अगर आप दांत दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, दांत दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बकरा देख ले और ये दांत देख ले, इसने एकदम फ्रेश दो दांत, एकदम फ्रेश है ये दो दांत। और पल्टी के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। क्या कह रहे हो? पल्टी के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है पल्टी के लिए। चलो इसका वेट का, अगर आप इसकी अगर आप स्किन देखेंगे जी जी, तो एकदम पूरी खाली इसकी स्किन अभी। ठीक है, तो इसका वेट करा दे एक मिनट फ्रेंड्स। काटा जीरो, ठीक है, चढ़ाइए आप, वीडियो बनाएंगे इत्मीनान के साथ, ताकि जिसके पास अगर काटा है तो हम पहले काटा करा लेंगे फ्रेंड्स। से काटा देख ले आप, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी जोड़ी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बकरा दिखाता हूँ, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गुलाबी बच्चा है ये, ठीक है। नस्ल के बारे में भी पूछेंगे और पहले मैं आपको बकरा दिखा देता हूँ, बकरा देख ले फ्रेंड्स, सारी डिटेल लेंगे इनसे माथुर साहब से।
ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा दूर से जाके, थोड़े का मतलब होता है मेरा 10 फीट दूर जाके और लोगों को दिखाना। तो फ्रेंड्स अब माथुर साहब से पूछते हैं। माथुर साहब जी सर, अपना ये बकरा पहले तो बताए नस्ल में कौन सा है? ये पिंक गुजरी में है। पिंक गुजरी जी। दूसरी बात, हाइट में कितना है? ये 41 प्लस हाइट। 41 प्लस हाइट है। दांतों में कितना है? दांतों में 6 दांत है। 6 दांत है ये? बिल्कुल। तो मतलब ये बकरा है पलटी का अगले साल? बिल्कुल पलटी के लायक है, जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है अभी उसका इतना कोई वजन नहीं है और अभी तो बच्चा जवान बच्चा है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। और खूबसूरत बच्चा है। तो इसका वेट कर देंगे फ्रेंड्स, मैं आपको कांटा दिखा देता हूँ, आप कांटा देख ले एक बार। 0 ठीक है। चलिए क्या है कि इनका कांटे का प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है और नीचे से कांटा जो वो काफी छोटा है, तो कांटा जो है वो हिलता है, जरा भी बकरा अगर हिलेगा तो कांटा भी हिलता है। फ्रेंड्स आप ये देख ले, हिल रहा है बकरा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई केजी वाले बकरे नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑन एवरेज आपको पता चल जाए सारे के भाइयों को, अनस भाई से आप स्क्रीन पे नंबर है कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये पहला बकरा हो गया, अब ये दूसरे बकरे की बारी जी। ये देख ले बकरा, ठीक सारी मैं आपको डिटेल पूछूंगा मैं इनसे, माथुर साहब से। मैं आपको बकरा दिखा रहा हूँ कवर करके, आप बकरा देखे फ्रेंड्स। माथुर साहब इसकी क्या डिटेल है? ये दांतों में तो पूरा ही बकरा, ठीक है। और 38 प्लस इसकी हाइट है। 38 प्लस है। दूसरी नस्ल का है। कलर में बड़ा प्यारा है ये, मतलब गुजरी का सबसे बेस्ट कलर है। हाँ गुजरी में सबसे बेस्ट कलर जो होता है वो है उसमें है। बिल्कुल अनस साहब ने अच्छे अच्छे कलर वाइज और अच्छे बकरे रखे है, ये तो मैंने देख लिया आते साथ, बहुत अच्छा। चलो इसका वजन कीजिए ना साहब। इस बकरे को तो अगर कोई ये साल कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी कर सकता है, पलटी लायक भी बकरा है ये। तो फ्रेंड इसलिए मैं खाली कैमरा घुमाया हूँ कि थोड़ा कैसा है ना, बकरे को चढ़ाते तो हल्की फुल्की जोर जबरदस्ती होती है, शायद है भाई यूट्यूब की गाइडलाइंस में आ जाए, परेशानी हो जाए भाई चैनल को, मैं नहीं चाहता परेशानी हो। तो ये 90 किलो, ठीक है ये बकरा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स 2 बकरे और, दोनों मक्की छीना और दोनों नस्ल में भी अलग अलग। मेरा फेवरेट भाई, पर्सनली मेरा बड़ा फेवरेट है ये। मैं सारी डिटेल देता हूँ, पहले मैं आपको बकरा दिखाता हूँ। माशाल्लाह बकरा है ये, चाहे वो फ्रेम में हो, चाहे वो कलर में हो, चेहरे में, हर चीज में माशाल्लाह बकरा है ये। आप देख ले फ्रेंड, ठीक है। माधु साहब सबसे पहले नस्ल में बताइए कौन सी नस्ल का? ये गुजरी मक्की चीना में है। थोड़ा लाउडली बोलिए। गुजरी मक्की चीना में ये। मक्की चीना है ना जी, ठीक है। और ये दांतों में कितना है? दांतों में 4 दांत है। 4 दांत है, जरा दिखाएंगे लोगों को एक बार। बिल्कुल कोई बात नहीं। और हाइट में क्या होगा ये? हाइट 38 प्लस है। 38 प्लस है, अभी तो बहुत गुंजाइश है इसमें, अभी तो बच्चा ही है। बिल्कुल जी। नहीं मैं देखा हूँ माशाल्लाह बड़ा है, खूबसूरत है। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको बच्चा ये फिर से दिखा देता हूँ मक्की चीना। ये भी अगर कोई भाई पलटी करना चाहता है 1 साल के लिए कैसा रहेगा ये? ये एक बेहतरीन चीज है। 4 दांत भी है तो जैसा भी आपने देखे एकदम फ्रेश 4 दांत किए हैं, ऐसा नहीं है कि 4 दांत ये टाइम हो गया। माथुर साहब आपको ये जो नॉलेज आ रहा है ये सारे बकरों का, कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री से? मैं इस इंडस्ट्री में 4 साल से हूँ। 4 साल से? हाँ। और बाकी आपके पूर्वज वगैरह क्या करते हैं? मेरे पिताजी मेरे दादाजी दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं। ओहो यानी घर में ही इलाज? बिल्कुल। डैडी भी आपके, दादाजी अभी तो है क्या? बिल्कुल दादाजी तो दुनिया में नहीं रहे, डैडी है। तो कहाँ पर है वो प्रैक्टिस कर रहे? गवर्नमेंट है या प्राइवेट? गवर्नमेंट डॉक्टर है। यानी कि आपको इलाज की कमी नहीं, आपके फार्म पर जो है वो इलाज की कमी नहीं है, क्यों? ठीक है चलो ठीक है। फ्रेंड्स ये दूसरा बकरा, ये मैं आपको नजदीक से थोड़ा एक बार कवर कराता हूँ, चेहरा देख ले, कान देख ले, ठीक है। और बताइएगा फर्क क्या होता है मुझे कमेंट करके। ये बकरा आप देख ले, ठीक है। माधु साहब ये जो बकरा है इसकी क्या डिटेल है?
पहले तो नस्ल में बताइए। नागफनी नस्ल आती है। नागफनी नस्ल आती है, कहाँ की होती है? अलवर साइड की रहती है। अलवर साइड की होती जी, है जी, ये उसके अंदर है बच्चा और 36 साइड पे है जी। और दांतों चार दांत है, ये भी चार दांत है। ये तो पलटी के लायक नहीं होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट हाइटेड है। शॉर्ट हाइटेड है इसके लिए। फ्रेंड्स, नागफनी का मतलब होता है कान जो होते है ना ऐसा, इसके थोड़े कम है नीचे से, ऐसा राउंड इस तरफ कोना मुड़ा हुआ रहता है, यानी कि नाक के जैसा फन कर देना, इसको नाक फन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर वेट करवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा बड़ा लाजवाब, वो चार दांत पे है, मक्की छीना गुजरी। ठीक है, तो एक बार तो फ्रेंड्स ये बच्चे की चाल भी आप साथ ही साथ कंटिन्यू देख ले, है ना। और मैं अभी भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कांटे की थोड़ा इस तरफ ले रहा हूँ, चढ़ाने में आपको पता है थोड़ा जानवर मशक्कत करनी पड़ती है, और YouTube को अगर पसंद नहीं आई वो चीज तो अच्छी बात नहीं है। वेट, ये दूसरा बकरा है, हो गया। ठीक है, इसकी जरा चाल दिखा दीजिए ना आप, चाल दिखा दीजिए फ्रेंड्स। चाल दिखाने का मकसद ही ये रहता है कि भाई आपको ऐसा लग पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इश्यू तो नहीं है, है ना। ठीक है, तो दो बकरे और है फ्रेंड्स, दोनों माशाल्लाह खूबसूरत, दोनों के दोनों। पहले मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, आप देख ले बकरा। ठीक है, थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूं। मधु साहब पहले तो बताए नस्ल में क्या है। सॉरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे नए ना नए लोग रहते हैं देखने वाले, तो उन्हें बेचारे लोगों को पता नहीं रहता है। नहीं नहीं, हमारा काम ही नॉलेज देना। हाँ, तो पहले नस्ल बता दीजिए। ये गुलाबी गुजरी के अंदर ये भी ये है, और हाइट में एक्सट्रीम गुलाबी गुजरी में ये बिल्कुल, और 36 हाइट का है। ठीक है जी, और दो दांत ने जस्ट फ्रेश किए ही है ये। मतलब आप कितने साल मैंने उसे पाल रहे इनको? इसको आया मेरे पास 4 महीने हो गए। 4 महीना हो गया जी। तो मतलब ये क्या वेट पे आया था आपके पास पे? रिकॉर्ड है आपके पास पे? जी हाँ, रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। इन्होंने मुझे वीडियो में अपने मोबाइल के वीडियो में दिखाया था, तो उस टाइम पे क्या वेट पे आया था ये? ये बच्चा 35 पे आया था। 35 पे आया था, चलो ठीक है, हाइट में तो इतनी ग्रोथ नहीं होती इतने महीने में। हाँ। है ना, ठीक है। इसका वेट करके दिखाइए ताकि पता चले कि आपके यहाँ पर क्या है। आप पलाई पे रखते हो क्या मथुर साहब? मेन कंसेप्ट पलाई का, ब्रीडिंग सेटअप का। अच्छा, ब्रीडिंग सेटअप और ये पलाई, कोई बात नहीं, चलो अब इससे पता चल जाएगा। फ्रेंड्स एक मिनट फ्रेंड्स देख ले, 0-660 ग्राम ऐसे ही चल रहा है, हवा चल रही है थोड़ी, मैं दिखा देता हूं आप। KG कितने KG पे आया था आपके पास में ये? 35 है। 4 महीने में आपने ये बच्चे को ग्रोथ 20 किलो के करीब आई है, मतलब 18 किलो के करीब आपने, है ना? जी सही है ना, गलत मैं कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा अलग ही है मेरा, हटके तारे जमी वाला है मैथमेटिक्स से। ठीक है, बात करने का स्टाइल ही है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब मैं पहले ये दूसरा बच्चा दिखा देता हूँ, तब तक माथुर साहब मैं बच्चे की चाल वगैरह आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स माथुर साहब उस बकरे के पास आप जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास डिटेल। ये इस तरफ से देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा व्हाइट है, और इस तरफ से प्योर मतलब सीरियस स्पॉटेड कलर वाला है, सिंगल कलर वाला। अब ये बकरा ठीक है, ये भी बिल्कुल ये भी गुला भी गुजरी एकदम। थोड़ा दांत दिखा देंगे एक बार, इसमें भी दो दांत ही है, ये भी दो दांत ही। चलो कोई बात नहीं, 35 हाइट पे है। एक मिनट साहब, मैं खाली बकरा दिखा दूं एक बार लोगों को। अब बोलिए साहब, 35 हाइट पे है। 35 हाइट पे, और ये भी फ्रेश दो दांत कर रहा है। ठीक है, तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर इसको कोई रखे या पाले क्या करना चाहिए इसको? ये देखिए, एज पर योर नॉलेज, ये मेरे साथ 38-39 हाइट पे जाना चाहिए एक साल के अंदर। एक साल में, क्योंकि इसका खून गुजरी का है जी, है ना, 38-39 पे जाना चाहिए, और वेट इसका एक साल के अंदर जाना चाहिए तकरीबन 80-90 का अप्रोक्स जाना चाहिए इसका वजन। चलो ठीक है साहब, तो फ्रेंड्स ये बकरा देख ले, ठीक है, गुलाबी है, बहुत प्यारा कलर। ओके, जरा छोड़ देगी, चला कर दिखाइए। सारी जो भी डिटेल है वो अनस साहब से कॉल पे ले लीजिएगा। मधुर साहब मैं एक
क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप प्लीज आंसर दे दीजिएगा इस चीज का, कि नंबर वन के जैसे कोई बंदा आप मतलब फोन तो आना सब कोई करेगा जी, बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट करके भेजेगा, वो आपको भेजेंगे, तो आप उस टाइम पे उस पार्टी को वीडियो बना के दे सकते हो, उस दिन का हाइट वजन दांत वगैरह जैसा भी है, क्योंकि हम यूट्यूब के कई गाइडलाइंस की वजह से है ना खुलकर कोई चीज नहीं दिखा पाते, पर्सनली तो आप व्हाट्सएप पे दे सकते हो ना, जो पार्टी की जो डिमांड रहेगी जी, आप मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे रह जाएगा जी, तो जो भी अगली पार्टी की डिमांड रहेगी हाइट वीडियो की वेट की जी ओपन प्रोवाइड कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई इश्यू नहीं ना सर, बिल्कुल ओके सर, आपको पसीना आने लग गया है, ठीक है वीडियो की, ठीक है ये दो बकरे देखिए माशाल्लाह कलर बहुत खूबसूरत, मधु साहब ये भुज खलीफा बकरा हुआ था उसकी थोड़ी याद दिला रहा है ये, है ना कॉपी लग रहा है ना थोड़ा, ठीक है माशाल्लाह बकरा है फ्रेंड्स, ये देख ले आप, सारी डिटेल लेंगे है ना, ऐसा अगर बकरा आपका एक से एक मिनट में 40 से 70 बार अगर मुंह हिला दे ना जुगाली कर ले तो आपका बकरा फिट एंड फाइन है फ्रेंड, याद रखना। एक छोटा सा फंडा मैं आपको बताया, सबसे पहले नस्ल के बारे में बताइए, गुजरी नस्ल का बच्चा ये, थोड़ा लाउडली साहब, गुजरी नस्ल का बच्चा ये, ठीक है साहब, और चार दांत पे फ्रेश तो ज्यादा 7-10 दिन हो गए ऐसा, और 38+ हाइट है इसकी, 38+ है, ये कितने महीने से आपके पास आया हुआ है? ये मेरे पास 3 महीने हो गए इस बच्चे का, 3 महीने का, तो इसकी कोई डिटेल थी 3 महीने पहले? हाँ ये अपने पास आया था 62 पे आया था, 62 पे, चलो काटा कर दीजिए ना पता चलता है कि कैसा है पलाएगा क्या है फ्रेंड्स, जीरो देख ले आप फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना करेंगे यार खिलजी भाई आपने उस बकरे के बारे में तो आपने और बताया नहीं, वजन नहीं बताया, क्या होता है कि कुछ बकरे अब हर एक का अगर करने जाएंगे टाइम बहुत लगता है फ्रेंड्स, गर्मी का टाइम है, मोबाइल बहुत जल्दी हीट होता है हमारा, वजन देख ले पहले 75, कितने पे आया था माथुर साहब ये? ये 62 पे आया था, और इस दरमियान मैंने इसको पंच कस्सी भी किया है, 3 महीने में खस्सी भी गया, तो कितना आ गया आपका 13 किलो का एवरेज? 13 किलो आया 3 महीने के अंदर, 3 महीना पूरा होने में अभी 15 दिन बाकी है, यानी 2.5 महीने का है जी। बहुत खूबसूरत बकरा है फ्रेंड्स, आप इसको बाहर निकालिए, इसकी मैं चाल दिखाता हूँ, तब तक मैं ये बकरा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर का बकरा देख ले, ठीक है बड़ा खूबसूरत बच्चा है, कलर में बहुत प्यारा है, ठीक है मधुर साहब ये बकरा, ये मुबारक भाई फ्रेश दो दांत किया भी बच्चा जी, और पलटी के लिए बेस्ट चीज है जो हम गुजरी जिसके लिए फेमस है जी जी, ओरिजिनल गुजरी है ये, ऐसा है क्या? बिल्कुल, मतलब पलटी के लायक है ये बकरा, पलटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ऐसा है क्या? बिल्कुल, तो आप इसकी चाल चलाइए जरा, चला कर दिखाइए आप उसको, जरा निकालिए ना वो काटे में बेचारा, ठीक है बच्चा देख ले फ्रेंड्स, है खूबसूरत बच्चा है कलर वाइज हर चीज में, और ये बुर्ज खलीफा की याद दिलाने वाला बकरा, थोड़ा चला कर दिखाइए इसको, थोड़ा चला कर दिखाइए, देख ले फ्रेंड्स बच्चा बड़ा है, एक्टिव है माशाल्लाह है, बहुत खूबसूरत है, दोनों बच्चे बड़े खूबसूरत है, तो फ्रेंड्स ये दो बकरे और, ठीक है कैमरा भी अब गर्म होने लगा है, तो पहला बकरा मैं आपको कवर करके दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, रेस्ट ले लेकर फ्रेंड्स और मोबाइल को रोक रोक कर और काम करना पड़ रहा है, आप देख ले पहले बकरा, पीला बकरा है माशाल्लाह, हमारे मारवाड़ी जवान में कहते हैं पीला है पीला, इसकी क्या डिटेल है साहब? ये टॉप अजमेरा कलर के अंदर है, और जो अजमेरा में सबसे ज्यादा गोल्डन कहते हैं इसको, हाँ उस कलर में है, चार दांत पे हो, चार दांत करेगा, किए नहीं अभी तक इसने, 38 हाइट है इसकी, 38 है, अप्रोक्स कितना वजन होगा ये? 70 किलो पे है, 70 है, काटा मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अब है ना भाई काटे वाटा कोई लाइट वगैरह है नहीं इसके लिए जी, ठीक है, और दूसरा बकरा मैं आपको फ्रेंड से दिखा रहा हूँ, ये बकरा देख ले, ये कहलाती है मुबारक भाई क्वालिटी, एक चीज में खाली पहले ना बकरा दिखा दो, पहले मैं बकरा दिखा दो, बोलिए माधव साहब ये बकरा कौन सी नस्ल में, पहले तो ये बताएं, ये है तो अजमेरा में जी, पर ऐसे फेस में ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसी गला पट्टी के अंदर
मैंने शायद अजमेर कभी पहले देखे नहीं है। क्यों? ऐसा मतलब? मतलब ये जो मुंडे के अंदर और ये इसका जो फेस वगैरह आ रहा है रोमन नोज के अंदर, वैसे रोमन नोज में आते हैं पर इसका फेस एकदम थोड़ा पतीला लुक में है। ऐसा है क्या? और मतलब ये आपकी निजी पसंद है क्या? ये मेरी भी निजी पसंद है और क्वालिटी अब आप लोगों के सबके सामने है। ठीक है साहब, तो मेरे हिसाब से ये रिंकल्स वगैरह जो इसके अंदर पड़ रहे हैं, जी जी जी, वो मतलब बेहतरीन क्वालिटी का बच्चा है ये। दांतों में कितना है ये? ये 6 दांत कर रहा है। 6 दांत कर रहा है। और वेट में कितना होगा? ये वेट में 75-76 के आसपास है ऑन एवरेज। जी तो आप ये अगर कोई फ्रेंड्स, अगर कोई अपना भाई अगर आपको वीडियो मांगे, डिटेल मांगे तो दे दोगे ना? बिल्कुल सर। तो फ्रेंड अनस साहब क्या स्क्रीन पे नंबर है ही है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, बकरे की चाल देख ले आप, ये बकरा तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। तो सर फाइनली ये लास्ट 2 बकरे है ना, और दोनों किस ब्रीड में, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, पूछ लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, आप बकरे देख ले दोनों, ठीक है। माधुर साहब जी, ये बकरा कौन सी ब्रीड का? ये कोटा अंडोटा में जी। तो ये कौन सा मतलब क्रॉस ब्रीड है क्या ये? हाँ, ये मतलब कोटा, इनका पिताजी इनके कोटा थे और माताजी, माताजी सो जाती है, माताजी सो जाती है। यानी आप पिंपाड़ वालों, ये भी इसमें भी क्रॉस ब्रीड ले आएगा कोटा, और इसमें भी ले आएगा? पहले हैदराबादी में और सूजत में तो कर रहे थे आपने, अब इसमें भी आ गया क्या? तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एक बकरा है, पहले देख ले गुलाबी माशाल्लाह सींग से देख ले, है एग्रेशन बाप वाला, ये तो हरकते करेगा ही क्योंकि कोटा रह गया ना जी। ठीक है, लेकिन उतना नहीं है एग्रेसिव जो कोटा की, जो लोग देखते है ना जो धमाका कोटा का, वो नहीं। फिर भी पहला बकरा दूध मैंने दिखा दिया, अब ये दूसरे बकरा, इसकी क्या है डिटेल, क्या है साहब इसकी? ये 2 दांत पर है। ऐसा 2 दांत पे है बच्चे? ऐसा। और है वेट पे? वेट इसका 70-75 के बीच में आएगा। ऐसा है क्या? और 38-23 व्हाइट वाले बच्चे के। ऐसा है जी, ठीक है। हाँ, और दूसरा बकरा मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, प्लीज ये जरा देख ले बकरा। और इसने अपना पैटर्न लाया है ये सुजत वाला, सींग वगैरह देख ले, ये भी क्रॉस ही है। बिल्कुल, दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों? अच्छा, बिल्कुल दोनों भाई है क्या ये? तो इसकी क्या डिटेल है? ये भी 2 दांत पर है। ऐसा 37 हाइट है। ऐसा। और वेट 65-70 के बीच के अंदर। 65-70 फ्रेंड्स, काटा इसके लिए नहीं दिखा रहे, लाइट नहीं है हमारे पास, जो जितना था उतना हमने दिखा पाए, ठीक है। और माथुर साहब जी, ठीक है, अब मैं जरा अनस साहब के जो बाड़ा है वो एक्सप्लोर करा देता हूँ लोगों को, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके साहब। तो फ्रेंड्स एक बार लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ द गैंग्स ऑफ अनस भाई। अनस भाई निजामुद्दीन के है, आप देख ले बकरों को, जब सेट बकरे हो गए ना, बिल्कुल सेट हो गए बकरे, फिट एंड फाइन, को खा पी के ऐसे आराम करते हैं, ये एक पहचान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, बकरे कैसे लगे, प्लीज जरा कमेंट करके जरूर बताना। तो अब एंड करने की बारी, तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, टिल देन अल्लाह हाफिज़।